हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल माई सेल्फ डॉक्टर डीडी गोयल एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यू डान क्लासेस। सो कई सारे राज्यों में जो है वो LSA, LI, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, लाइव स्टॉक असिस्टेंट और विभिन्न टाइप के पैरावेट या वेटनरी से रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस है उसके पेपर्स जो है उसकी वैकेंसीज आ रही है, उनकी डेट जो है वो आ रही है। ओके तो गुजरात में भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही एक नई वेटनरी असिस्टेंट की जो LSA की जो जॉब है या LI की जो जॉब है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वो जो है वो जल्दी ही वहाँ पे आने वाली है। तो गुजरात के लिए न्यू उड़ान क्लासेस ने पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो गुजरात के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में लाइव स्टॉक असिस्टेंट का कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो जल्दी से न्यू उड़ान क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और इसके बाद में वो अपना कोर्स पढ़ने के साथ साथ जो है वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट पंजाब और गुजरात का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, तो आप जाकर के जल्दी से कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि एक पेपर जो आप पुराने पेपर है वो भी सर हमें बताइए, तो बिल्कुल 2018 का जो गुजरात का पेपर है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें देखो राजस्थान के जो स्टूडेंट है, राजस्थान के स्टूडेंट से कुछ थोड़ा सा पेपर अलग है और वो क्यों है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो माइक्रो पैथो ये सब्जेक्ट नहीं है, जबकि गुजरात के जो पेपर आएगा अभी जो मैं आपको बताऊँगा उसमें एक जो सब्जेक्ट मतलब कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो है पोल्ट्री वाला पार्ट, पैथोलॉजी वाला पार्ट, माइक्रो वाला पार्ट, तो ये कुछ पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ज़्यादा डिप्रेशन में मत आना अगर राजस्थान के स्टूडेंट ये देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस अपने खुद के सिलेबस में है वो तो अपन करेंगे ही, जो नहीं है तो उनको जय श्री राम बोल देंगे। ओके तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन का पहला क्वेश्चन है, वो हैड रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले रिकमेंड किसने किया था। तो आप सबको पता है कि 1957 में 1957 में किसने सबसे पहले किया था, 1957 में बलवंत राय मेहता जो कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ग्राम पंचायत होती है, दूसरा जो है ग्राम पंचायत के बाद में क्या होता है भाई, ग्राम पंचायत जो है इसमें कौन होता है, हेड सरपंच। ओके इसके बाद में पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति का जो हेड है वो कौन होता है भाई, प्रधान, है ना, बड़ो प्रधान बन रही हो है तो वही प्रधान, और जिला जो स्तर है वहाँ पे कौन होता है, जिला प्रमुख। तो राजस्थान में अभी जो है इसके चुनाव हुए थे। ओके तो सारे स्टूडेंट को पता है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे सरपंच, प्रधान एंड डिस्ट्रिक्ट हेड। ओके तो ये जो है वो यहाँ के पर्टिकुलर जो हेड होते हैं। ओके चलो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय कमेटी। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा था ये तो, मोस्ट प्रिफर्ड एंटी कोगुलेंट फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड मॉर्फोलॉजी। सिंपल सा ये पूछ रहा है कि अगर आपको हॉस्पिटल जाकर के आपने बोला कि सर CBC जांच करनी है, अब आपको पता है CBC जांच क्या होता है, वो ब्लड चेक करते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेंगे और इसके बाद में क्या चेक करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, तो इसके लिए वो ब्लड जो है वो सबसे पहले कौन सी ट्यूब में लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कभी हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं तो उनको ये पता है, लैब में अगर काम कर चुके हैं तो वो EDTA ट्यूब यूज़ करने करते हैं। ओके कौन सी ट्यूब यूज़ में करते हैं, EDTA ट्यूब, और ये EDTA जो होता है वो क्या होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए यूज लिया जाता है। ठीक है तो यहाँ पे कौन सा यूज लिया जाता है, EDTA ट्यूब जो है वो यूज में ली जाती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका EDTA। ओके अगला अपन देख लेते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, सीरम में अगर कैल्शियम लेवल है, ओके यानी कि सीरम किसमें होता है, ये सब आपको पता है कि सीरम जो होता है ये किसमें होता है, ब्लड में, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना जो होता है वो किसका काम होता है, पैराथायरॉइड का, और कैल्शियम को घटाना कम करना जो है वो किसका काम होगा, थायरॉइड का, थायरॉइड जो होती है वो
बोन्स में कैल्शियम बढ़ाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है वो क्या हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि स्टीरिया कोलाई जो है वो कैसा अपीयर होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट डरे नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो माइक्रो का है, ओके। तो अदर स्टेट पंजाब और आई थिंक गुजरात और हरियाणा, दो तीन स्टेट जो है जहाँ पे माइक्रो जो है वो LSA में आती है, बाकी जगह पे LSA में माइक्रो नहीं आती। तो ये माइक्रो का क्वेश्चन है। यहाँ पे ई कोलाई जो होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। क्या होता है भाई? ग्राम नेगेटिव होता है और इसके अलावा रोड सेप होता है, ओके। रोड सेप जो है होता है और क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा या इसका बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजिशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड विथ रिगार्ड टू मिल्क प्रोडक्शन। सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है कि भारत की रैंक कौन सी है मिल्क प्रोडक्शन में। अगर अपन बात करें मिल्क प्रोडक्शन की, तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत विश्व की कौन सी रैंक पे है? तो सबको पता है इंडिया इज द फर्स्ट, ओके। भारत जो है वो क्या है, फर्स्ट रैंक पे है। किसके लिए? मिल्क प्रोडक्शन के मामले में पूरे वर्ल्ड में लगभग 22% तक जो है मिल्क जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद में अमेरिका एंड थर्ड वन इज चाइना, ओके। ये रैंक्स है, इंडिया इज द फर्स्ट, ओके। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बफेलो का मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है बफेलो मिल्क, और वो बफेलो मिल्क 40% ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का 54% जो है वो बफेलो मिल्क सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। क्लियर है ये चीज़। अगला अपन देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। स्टैनिंग मेथड यूज टू डिफ्रेंशिएट लाइव एंड डेड स्पर्मेटोजोआ। ये क्वेश्चन जो है आपका गायनी से है, बट ये थोड़ा डीप में पूछ लिया कि ऐसा कौन सा स्टैन है जो लाइव और डेड एनिमल्स को अलग, लाइव और डेड स्पर्म को अलग करने के लिए। देखो ऐसा है कि ये इवेल्युएशन मेथड होता है कि जब आप स्पर्म को लेते हो तब आपको स्पर्म को जो है वो चेक करना होता है कि इसमें से लाइव स्पर्मेटोजोआ कितने हैं और डेड स्पर्मेटोजोआ कितने हैं। तो इनको चेक करने के लिए जो मेथड और जो स्टैनिंग स्याही जो है वो यूज ली जाती है वो होती है इओसीन नाइग्रोसीन स्टैनिंग। कौन सी? इओसीन नाइग्रोसीन स्टैनिंग, ओके। इसको बोलते हैं ई एन, ओके। डेथ कितने हैं, कितने लाइव है, इसको चेक करना हो तो क्या करो, ई एन मेथड यूज में लोगे। कौन सा? ई एन मेथड। क्लियर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला है एच पर 19th लाइव स्टॉक सेंसस टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया इज। इंडिया की इन्होंने पॉपुलेशन पूछी है, कब की? 19th लाइव स्टॉक सेंसस की, ओके। जो 19वां लाइव स्टॉक सेंसस था उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन पूछी है। अब सारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, जो 19th थी वो बहुत पुरानी हो गई है, अभी जो रिसेंटली हुई थी वो अब जो है वो 20th हो चुकी है। यानी कि अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो 19th वाले में से नहीं आएगा। 2019 में 20वीं जो एनिमल सेंसस है वो भी हो गया है, ओके। तो क्या याद रखोगे? अब 19 का इसमें पूछा हुआ है, 19 का तो मैं आपको बता देता हूँ 512 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, लेकिन अब आपको 19वें से नहीं पूछेगा, किससे पूछेगा? 20th से पूछेगा। तो आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट को मैं बता दूं, एक्सटेंशन में आपके ऑलरेडी ये पॉपुलेशन वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्डेड है, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये जो आपको याद रखना है वो 19th वाला नहीं याद रख करके 20th पॉपुलेशन सेंसस जो है वो याद रखना है। क्लियर। चलो इसके बाद बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल टू कॉज मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस जो होता है, ये जो रोग होता है ये एक्चुअल में मेमोरी ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथियां यानी मेमोरी ग्लैंड जो होती है इनमें इन्फ्लामेशन से होती है, ओके। और ये जो इन्फ्लामेशन होता है, ये किससे होता है? ये होता है, देखो सारे जो अप्रॉक्सीमेट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिससे ये इन्फ्लामेशन होता है। स्टेफाइलोकोकस इज वन ऑफ देम, स्टीरिया कोलाई से भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्साई इससे भी होता है। तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ तीनों से हो रहा है, आंसर हो जाएगा डी। और एक और चीज़ है,
अप्रोक्सीमेट कंडीशंस में जैसे भी जिस टाइप से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है आंसर ऑल ऑफ दीज रहता है, जिसमें अगर ऑप्शन में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है तो ऑफकोर्स 100% तो नहीं लेकिन 90% केसेस में ऑल ऑफ दीज आंसर जरूर रहता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक, ये आपका पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। किस सब्जेक्ट का है? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो कि राजस्थान के स्टूडेंट के नहीं है, गुजरात के है। कि हिस्टोपैथोलॉजिकल का मतलब ये हुआ क्या कि टिश्यू जो होते हैं इनकी जब स्टडी करनी हो तो आपको इनमें से कौन सा फिक्सेटिव एजेंट यूज में लेना है। तो इसमें आपको 10% फॉर्मलिन जो है वो आपको यूज में लेना है। किसको यूज में लोगे? 10% फॉर्मलिन को यूज में लोगे। आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ए आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो आगे अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? सिंपल सा, सबको पता है पर्यावरण दिवस 5 जून, ये एक यूनिवर्सल डेट है। सबको ये पता है कि विश्व में जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? अगला, रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय, रानीखेत डिजीज मेडिसिन में, हमारी बुक में, न्यूडान गाइड में और आपके नोट्स में सब जगह आपको मुर्गियों की यानी पोल्ट्री की जो डिजीजेज है उनको अलग से दिया हुआ है। ओके, तो रानीखेत डिजीज जो है इसका अदर नेम जो है वो है डोयल्स डिजीज। क्या है? जैसे मैं गोयल हूँ तो याद रख लो, गोयल नहीं, मेरा नाम है डी गोयल, तो डी हटाओ, डोयल्स डिजीज। ओके, एंड इसका अदर नेम जो है वो क्या है? एक और न्यूकास्टल डिजीज। और ये न्यूकास्टल डिजीज जो है वो पैरामिक्सो वायरस से होती है। किससे होती है भाई? पैरामिक्सो वायरस। आंसर क्या हो जाएगा 11th का? पैरामिक्सो वायरस। क्लियर? चलो 11th का आंसर हो जाएगा ए। 12th, ट्राइकोमोनास फीटस इज ए प्रोटोजोआ ऑफ, ट्राइकोमोनास फीटस जो है ये एक प्रोटोजोआ है जो कि एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। कौन सी मोनियासिस? ट्राइकोमोनियासिस, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कॉज करता है। क्या करेगा? अबॉर्शन कॉज करेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में ही जो है वो बच्चे को मार करके गिरा देगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो ट्राइकोमोनास फीटस होता है ये हॉर्स एंड काउ दोनों में ही जो है वो ये कॉज होती है डिजीज, ये ट्राइकोमोनियासिस जो है वो अफेक्ट करता है। जनरल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं काऊ, बट दोनों में ही है, तो इसका आंसर सी और डी होगा। ओके, तो जिसने 2018 में सी राइट किया था चाहे उन्होंने डी राइट किया था, उन दोनों का ही जो है आंसर सही हुआ होगा। ओके, चलो, नर्व ब्लॉक टू परफॉर्म एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न इन कैप्राइन, कैप्राइन का मतलब जो बकरी होती है, गॉट होती है, इनमें जब आपको नर्व ब्लॉक करना है किसके लिए? एम्पुटेशन ऑफ हॉर्न मतलब आपको जब हॉर्न हटाना है तो आप कौन से टाइप की नर्व को ब्लॉक करते हो? तब आपको ये पता है कि जैसे कोई भी जो एनिमल है और उसमें इस टाइप से जो है वो इस टाइप से हॉर्न निकला हुआ है, तो आप हॉर्न के आसपास एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं कॉर्नुअल नर्व। कौन सी? कॉर्नुअल नर्व जो होती है इसको ब्लॉक करते हो। कौन सी? कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक, यहाँ पे होती है आसपास जो सींग होते हैं, यहाँ पे एक नर्व होती है जिसका नाम होता है कॉर्नुअल नर्व, और कॉर्नुअल नर्व जो होती है इसको अपन ब्लॉक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉर्नुअल नर्व। सुप्रा ट्रोक्लियर यहाँ पे होती है, ऑप्टिक मतलब आंखों के लिए, मैक्सिलरी मतलब मैक्सिला के लिए। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटमेंट इज यूज टू इम्प्रूव न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, मतलब कि जो क्रॉप का, फसलों का जो कचरा बच गया है तो आप इसको, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो जो क्रॉप रेजिड्यू में आप अगर नाइट्रोजन का कंटेंट
बढ़ा देते हो तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो भी बढ़ जाती है। क्या बताया मैंने कि अगर आप नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा दोगे तो यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी। और इसके लिए आप क्या यूज़ में लेते हो, यूरिया ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। पानी से धो दी, एसिड दे दिया, फॉर्मेलिन दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे इसका प्रिजर्वेशन हो सकता है। लेकिन अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके तो इसके लिए आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू पे फोकस करना होगा। ओके चलो नेक्स्ट, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ ए काउ इन कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया में फ्लोर स्पेस जो है वो कितना रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। आपको उसमें एक न्यूडान गाइड में एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको ये बता रखा है कि कितना कवर्ड एरिया होगा और कितना ओपन एरिया होगा। ओके तो कवर्ड एरिया जो होता है एक एनिमल्स के लिए वो 3.5 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है, जबकि अगर कवर्ड की जब ओपन एरिया की बात करें तो ओपन एरिया अप्रॉक्सीमेट 7 मीटर स्क्वायर के आसपास चाहिए। ओके तो यहाँ पे कवर्ड पूछा है तो कवर्ड जो है वो कितना चाहिए होगा, 3.5 मीटर स्क्वायर। ओके विच ब्लड सेल इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई एंटीजन्स जो है वो अपनी बॉडी पे अटैक कर रहा है तो सबसे पहले उससे लड़ने कौन जाएगा, तो सबसे पहले उससे लड़ने जाएगी न्यूट्रोफिल सेल्स। कौन सी सेल जाएगी, सबसे पहले न्यूट्रोफिल सेल जो होती है वो वहाँ पे पहुँचती है। लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने में काम आती है, और मैक्रोफेज जो है ये आपकी भक्षी कोशिकाएं या फैगोसाइटिक सेल्स होती है। कौन सी होती है, फैगोसाइटिक सेल। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा बी। नेक्स्ट, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम देख लो, मर्जी आए जितने एग्जाम देख लो, सारे वेटनरी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर है कि मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क लेट डाउन के लिए चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि जो मिल्क है उसका लेट डाउन हो सके। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसिकुलर स्टेमोटाइटिस जो है ये किससे कॉज होता है, तो भाई सिंपल सा, वेसिकुलर स्टेमोटाइटिस जिसको वेसिकुलाइटिस ही बोलते हैं या इसको बोलते हैं एक और स्यूडो FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, स्यूडो फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि रैबडो वायरस या फिर इसका एक और नाम होता है वेसिकुलो वायरस से होती है। ओके वेसिकुलो वायरस या फिर रैबडो वायरस जो है वो इस डिजीज को कॉज करते हैं। क्लियर चलो आगे, मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग। तो आपको पता है न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा एक साइलेज और एक हे। साइलेज जो है वो फर्मेंटेशन से बनता है, जबकि हे जो है वो ड्राइंग यानी सुखाने से बनता है। ओके तो जो साइलेज है, साइलेज के लिए सबसे अच्छी और सबसे सही जो है अगर अपन बात करें क्रॉप, तो वो जो है वो होगी मेज। ओके मेज इज द बेस्ट एंड मोस्ट सूटेबल क्रॉप फॉर साइलेज मेकिंग, एंड हे मेकिंग के लिए सबसे अच्छी है भाई ओट्स। क्या है, ओट्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको न्यूट्रिशन में कोर्स में मैंने आपको बता रखा है। क्लियर चलो भाई आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर इज अब्सेंट इन, कौन से एनिमल में गॉल ब्लैडर जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो भाई गॉल ब्लैडर जो होता है ये जितने भी अपन कह सकते हैं जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट का स्टोरेशन जो होता है, स्टोर जो होता है, स्टोरेशन जो होता है वो कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। ओके तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, लीवर के कंटेंट का स्टोर होता है। ओके जो यूज में नहीं आएगा लीवर का कंटेंट, उसका यूज हो जाएगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में स्टोर होने में। ओके लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे हॉर्स की, तो हॉर्स जो होता है ये कंटिन्यूअस फीडर होता है। क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडर होता है, मतलब लगातार खाते रहता है। तो इसमें जो लीवर का कंटेंट है
लीवर का कंटेंट लगातार यूज होता रहता है, ओके, लगातार यूज होता रहेगा, जिसके कारण से स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होगी, और जब स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होगी तो गॉल ब्लैडर क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी वापस से बता देता हूँ कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो हॉर्स में अब्सेंट होता है, क्योंकि वो रेगुलर फीडर होते हैं और उनमें क्या, उनमें जो लीवर का जो कंटेंट होता है उसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मिल्क फैट इन इंडिजिनस काउ मिल्क इज, एवरेज मिल्क फैट जो होता है वो अगर अपन बात करें देसी गाय में तो वो कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेट अपनी जो देसी गाय है उसमें 4 से 4.5 के आसपास माना जाता है। तो आपकी जो गुजरात बोर्ड है इसने ये कंसिडर किया, क्योंकि हम गुजरात के जो है वो इंडिजिनस गाय में 4.5 मानते हैं, तो यहाँ पे जिन्होंने 4% किया उनको भी उन्होंने राइट माना, और जिन्होंने 5% आंसर किया उनको भी उन्होंने राइट माना, और जिसने 2% और 6% किया उनको उन्होंने गलत कर दिया। तो दोनों ऑप्शन जो है उन्होंने यहाँ पे राइट माने थे। क्लियर? तो 21 का हो जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ केवीके। केवीके जो है वो डिफरेंट टाइप की जो यूनिवर्सिटीज होती है उनके अंडर में ये केवीके काम करते हैं, और केवीके क्या होते हैं भाई, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, ओके। एग्रीकल्चर साइंस सेंटर मतलब कि एग्रीकल्चर जो कृषि होती है, ओके, उनमें न्यू टेक्निक्स, न्यू साइंटिफिक थ्योरम्स जो होती है वो किस तरह से अपन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कृषि विज्ञान केंद्र। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका जो पेपर है मैं आपको बता दूं, गुजरात का 2018 का पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यस, वेटनरी जो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 2018 का पेपर है ये, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करा रहा हूँ। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास में मैसेज आ रहे थे कि आप सर गुजरात का पेपर लाइए, क्योंकि गुजरात की भी वैकेंसी आ रही है, तो आप राजस्थान वालों को ही ध्यान दे रहे हो, अरे हमारे लिए तो सब बराबर हो, हमारे लिए पूरा एक वेटनरी स्टूडेंट्स पूरा एक परिवार, ओके, और हम उन परिवार वालों के लिए जो है एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी वजह से अगर मान लो कि 20 जने इस वीडियो को देख रहे हैं एक भी लगता है, तो भाई सिंपल सी बात है कि हमारे परिवार का ही जो है वो बंदा आगे जा रहा है। तो बिल्कुल हम आप सबके लिए जो है अपने एफर्ट हमेशा से करते रहेंगे। चलिए, मटेरियल टू बी कलेक्टेड फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्रुसेलोसिस ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ, सिंपल सा यहाँ पे एक चीज बोल दी कि ब्रुसेलोसिस डिजीज, ओके, एंड यू नो अबाउट ब्रुसेलोसिस डिजीज में क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है, क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, अबॉर्शन होगा, और वहां पे आपको यूटेरस का जो कुछ पार्ट होता है वो लेना होता है। लेकिन यहाँ पे जब यूटेरस ऑप्शन में ही नहीं है, हार्ट लंग्स किडनी एंड लिवर ऑप्शन में है, तब वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो भी टॉक्सिन होगा वो ब्लड के थ्रू हमेशा कहाँ जाता है, लिवर में जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में आपको ये याद रखना है, जब अगर कोई जो मैन टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन इन्वॉल्व होगा, लिवर, और रीज़न क्या होता है लिवर इन्वॉल्व होने का, क्योंकि टॉक्सिन वहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट एड टू एनिमल सिलेक्शन इज, एनिमल को आपको सेलेक्ट करना, ओके, तो सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, जैसे अगर मुझे अच्छी क्वालिटी का बुल सेलेक्ट करना है, ओके, तो बुल सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या, कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में लेना पड़ेगा, ओके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल, उसके खुद के कैरेक्टर देखे मैंने, खुद के कैरेक्टर कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। दूसरा प्रोजेनी टेस्टिंग, प्रोजेनी मतलब बच्चों के कैरेक्टर देखे। तीसरा पेडिग्री सिलेक्शन, मतलब उसके बाप दादा कैसे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों मेथड में से जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है वो आप सबको पता है, पेडिग्री सिलेक्शन, क्योंकि अगर उनकी पीढ़ियाँ मजबूत है, ओके, तो फिर ऑफकोर्स वो जो बुल है वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा ही, ओके, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है अगर किसी का जो उस बुल की मदर जो है
वो 20 लीटर तक बुल मिल्क दे रही है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके जो स्पर्म से जो भी फीमेल फर्टिलाइज होगी वो कम से कम 15-17 लीटर तो देगी। ओके, तो इस कंडीशन को देख करके, मतलब इसको बोलते हैं पेडिग्री देखकर। ओके, तो मैं सबसे मोस्ट और एक्यूरेट मेथड जो होता है वो होता है पेडिग्री सिलेक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ स्टैनिंग फॉर स्मियर एग्जामिनेशन इन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में, तो ये भी आपके पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। राजस्थान के स्टूडेंट डरे नहीं, पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेडन स्टेन। जेडन स्टेन का फुल फॉर्म होता है जील नेल्सन स्टेन। ओके, तो जो स्टूडेंट गुजरात के हैं उनको तो पता चल गया होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जील नेल्सन स्टेन जो है उसके बारे में पढ़ रखा होगा, जो कि अपन किसके लिए लेते हैं, टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उस डिजीज के लिए लेते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन, कैल्शियम डेफिशिएंसी ड्यूरिंग अर्ली लैक्टेशन इन डेयरी काउज। अब ये सारे स्टूडेंट के लिए, सब आज का आंसर आराम से दे सकते हैं कि भाई कैल्शियम कम हो गया तो कौन सी डिजीज होगी। तो भाई तुम्हें ये पता है, मिल्क फीवर जो होता है वो गाय क्या होती है, जो कैटल होती है वो आफ्टर काविंग बैठ जाती है, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है, इसके बाद में आप जाके कैल्शियम चढ़ाते हो, अचानक से वो खड़ी हो जाती है। मैं भी गुजरात में जो है वो जीवीके एमआरआई में 1 साल तक काम कर चुका हूँ। ओके, 1 ईयर तक जो है लॉकडाउन पीरियड में मैंने वहाँ पे काम किया था, फील्ड प्रैक्टिस थी, जिसमें आपको पता होगा 1962-1962 जो है वो गाड़ी चलती है वहाँ पे, और उसमें जो है मैं फील्ड प्रैक्टिस ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका हूँ। तो सबसे ज़्यादा अगर केस आते थे वो मिल्क फीवर के आते थे, कैल्शियम कम हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े से ऐसा है कि कैल्शियम खिलाते नहीं थे, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी वहाँ के प्लांट्स वगैरह में, क्रॉप्स वगैरह में थी। ओके, तो मिल्क फीवर जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, सिंपल सा, कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। बाकी सारी आपको जो है वो डिजीज़, कुछ ना कुछ बैक्टीरियल है, ये भी बैक्टीरियल है, और ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि पाचन तंत्र से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हैविंग लोवेस्ट क्रोमोसोम्स नंबर, इनमें से सबसे कम जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो किसके है? तो आपको पता है सीप के क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं 54, गॉट के होते हैं 60, बफेलो में दो टाइप की है, अगर स्वैम बफेलो है तो होंगे 48, एंड रिवर बफेलो है तो क्या होंगे 50, एंड काऊ के जो है वो 60 है। तो आप सबको पता है सबसे कम पूछा है, तो यहाँ पे 48 और 50 सबसे कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, बफेलो। क्लियर, चलो आगे। व्हाइट मसल डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हाइट मसल डिजीज जो है जिसको अपन ये भी बोलते हैं कि जो सिकनेस हो जाती है, मसल सिकनेस। ओके, मसल्स जो होती है उसमें क्या होने लग जाती है, मसल्स जो है इसमें ट्रीमर्स होने लग जाते हैं, ट्रीमर्स ऑफ मसल्स। ओके, या मसल्स जो होती है उनमें क्या होने लग जाता है, जो बोन्स होती है वो भी जो होती है वो बहुत सिकनेस हो जाती है उसमें। तो ये सारी डिजीज जो है वो विटामिन ई डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। ओके, तो वाइट मसल डिजीज इज डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ई। ओके, और ये विटामिन ए से भी हो सकती है, और इसके अलावा ये सेलेनियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। ओके, तो आपको याद रखना है विटामिन ई डेफिशिएंसी से वाइट मसल डिजीज होती है। न्यूट्रिशन का ये क्वेश्चन है, और न्यूडान गाइड में आपके जो नोट्स है गुजरात वाले उसमें भी ये अच्छे से लिख के दिया हुआ है, अच्छे से एक टेबल बना के दिया हुआ है कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द सीमन इन स्ट्रॉ इज प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट ए टेम्परेचर ऑफ। आप सब अप्रॉक्सीमेट जो सबसे ज़्यादा केसेस है, क्योंकि यू नो कि गुजरात जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। ओके, और वहाँ पे ऑफकोर्स अगर मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कैटल की होती है वो भी ज़्यादा होगी, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा ही है, कैटल बफेलो की पॉपुलेशन भी ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे AI का काम जो है वहाँ पे ऐसा है कि कोई भी वीट जो है वो भूखा नहीं रह सकता है ना, इतना मतलब वहाँ पे एनिमल का फील्ड वगैरह बहुत ज़्यादा है। ओके, वहाँ पे तो यूँ मान लो कि जब अगर
ह्यूमन डॉक्टर से ज़्यादा भी जो है वो एनिमल के डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो जो है वो ह्यूमन डॉक्टर तो अपनी स्वास्थ्य का जिम्मेदार, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, लेकिन जब एनिमल का स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो हमारी कमाई का सोर्स ही नहीं रहेगा, और कमाई का सोर्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हम ह्यूमन डॉक्टर को भी कैसे देंगे। तो वहाँ पे एनिमल्स को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मैं एक साल रह के आया हूँ, मुझे वहाँ पता है। तो वहाँ पे AI जो है वो करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको देखा होगा AI वर्कर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि 3 महीने की डिग्री वाले। ओके, तो AI जब करते हैं तो एक टैंक होता है लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ, उस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो आपको याद रखना है -196 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अगला क्वेश्चन भाई, मेगट जो होते हैं इन वन अकर ड्यू टू, देखो इसने ये पूछा है कि मान लो कि कोई चोट लग गई, चोट लगने के बाद में जो वो चोट जो होती है वो सड़ने लग जाती है। ओके, और ऐसे केसेस जो होते हैं ये बहुत सारे आते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जब वुंड जो होता है वो लग जाता है और इसके बाद में जब ये सड़ने लग जाती है, तब आप जो वुंड होते हैं उनमें मेगट कौन से होते हैं? तो आपको पता है उसमें मक्खियाँ जो होती है, ठीक है, फ्लाई जो होती है वो पड़ जाती है। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, फ्लाई। ओके, सिंपल सा ये, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन आर्टिफिशियल वेजाइना शुड बी। ओके, सो दिस इज द आर्टिफिशियल वेजाइना इज द मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन, सीमन कलेक्शन का मेथड है ये। ओके, जो कि जिसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल वेजाइना जो होती है एक बनाई जाती है। ओके, AV जो होती है जिसमें क्या होता है अंदर लेदरी टाइप का कुछ होता है, और वो जो होती है वो किसी भी एनिमल के पेनिस जो होता है उसके, मतलब उसको एक प्रोवाइड की जाती है, आर्टिफिशियल वेजाइना प्रोवाइड की जाती है। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल वेजाइना में गर्म पानी भरा रहता है और उसका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेट 43 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ओके, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन सीप, सीप में जो है वो जन्म देना, बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? तो आपको पता है लैम्बिंग, लैम्ब में है तो ऑफकोर्स किसमें होगा? सीप में। किडिंग जो है वो किसमें होगा? गॉट में। काविंग जो है ऑफकोर्स कैटल में। एंड फरोविंग जो है वो किसमें होगा? फरोविंग जो है वो किसमें होगा? पिग में। एंड फॉलिंग जो होता है वो किसमें होता है? फॉल देना। एंड फॉल इज द फॉर मेयर। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे आपको पता चल गया होगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटरल पाउचेस आर फाउंड इन, गटरल पाउचेस क्या होता है? सबसे पहले इट इज द ऑडिटरी ट्यूब। ये क्या होती है? एक सुनने के लिए ट्यूब होती है। ओके, जो कान से सुनने के लिए एक ऑडिटरी ट्यूब होती है, और ये ऑडिटरी ट्यूब जो होती है ये किसमें होती है? हॉर्स में होती है। किसमें होती है? हॉर्स में, कान में होती है। इसको बोलते हैं अपन गटरल पाउच। ओके, ऑडिटरी मतलब सुनने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इन वेटनरी प्रैक्टिस इज नॉन एज, ये अगेन पैथोलॉजी का क्वेश्चन है कि अगर पोस्टमार्टम PM एग्जामिनेशन कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं? ओके, तो इसको ऑफकोर्स नेक्रोप्सी बोलते हैं। नेक्रो का मतलब क्या हो गया? मरने के बाद। ओके, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। और नेक्रो वर्ड का मतलब ही होता है डेथ, मर जाए, मतलब मरा हुआ। ओके, तो मरे हुए पे जब भी आप कर रहे हो तो नेक्रो वर्ड आएगा। ओके, बायोप्सी भी एक याद रखना, बायोप्सी में क्या होता है, आप कोई लाइव जो टिश्यू होता है उसका आप क्या करते हो, टिश्यू जो होता है यूज ले रहे हो आप इवेल्युएशन के लिए, या फिर डायग्नोसिस या जांच के लिए यूज ले रहे हो। ठीक है, तो नेक्रोप्सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैबिज अकरेंस डिपेंड्स ऑन, रैबिज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या एनिमल की एज पे भी डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द बाइट टू ब्रेन डिपेंड करता है? विरुलेंस ऑफ वायरस, वायरस का जो स्ट्रेन होता है इसकी जो आक्रामकता होती है उस पे भी डिपेंड करता है। तो भाई सिंपल सा ये है कि इसमें से सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये वायरुलेंस ऑफ वायरस, वायरस का जो विरुलेंस है वो कितना है, आक्रामकता कितनी है इसकी, इसके बाद में जब बाइट किया है उससे ब्रेन की डिस्टेंस कितनी है ये भी है, और एज जो होती है एनिमल्स की उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया था
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में हो तो अप्रोक्सीमेट कंडीशन में तो डी ही आंसर होगा, तो आंखें बंद करके आंसर जो है वो आप राइट कर देना। ओके, अब स्टाइफल जॉइंट इज फाउंड बिटवीन, तो भाई एनाटॉमी जो है ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है और लक्ष्मण सिंह जी राज पुरोहित ने एनाटॉमी पढ़ाई है, जिसमें ये जो जॉइंट्स होते हैं उनकी एक ट्रिक भी बताई है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं बट ऐसा कुछ है कि हिप सबसे पहला जो होता है वो हिप होता है, दूसरा जो है वो आपका स्टाइफल होगा, स्टाइफल के बाद में हॉक जॉइंट आता है, हॉक जॉइंट के बाद में जो है वो नेक्स्ट आपका जो जॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, फैटलॉक जॉइंट आएगा, एंड फैटलॉक के बाद में कॉफिन एंड लास्ट में जो है वो पेस्टर्न आएगा। ओके, तो इस टाइप से ये जॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हिप जो होता है वो पेल्विक और फीमर के बीच में। ओके, इसकी शायद ट्रिक कुछ ऐसी है कि हिप स्टाइल हॉक फैशन से कॉफी पियो, क्या कि हिप स्टाइल हॉक फैशन से कॉफी पियो। ओके, तो ये एक ट्रिक है सिंपल सी, हिप स्टाइफल जो है इसके बाद में क्या होगा भाई, फीमर, और फीमर के बाद में जो है वो आपकी क्या आती है, नेक्स्ट आ जाएगी फीमर के बाद में टीबिया, तो टीबिया फिबुला जो है इसके बीच में जो होगा फीमर और, तो ये होगी स्टाइफल, इसके बाद में आपकी हॉक, हॉक किस किस के बीच में होगी, एक तो टीबिया और टीबिया के बाद में जो है वो कौन सी आ जाएगी, फीमर के बाद टीबिया, टीबिया के बाद में टार्सो मेटाटार्सल, तो इनके बीच में जो है वो हॉक होगी, हॉक के बाद में फैटलॉक जो कि टार्सो मेटाटार्सल और फर्स्ट फैलेंजेज जो है इसके बीच होगी, फिर फर्स्ट और जो सेकंड फैलेंजेज है उसके बीच कॉफिन, और सेकंड और थर्ड फैलेंजेज जो है इसके बीच में क्या होगी, पेस्टर्न जॉइंट होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे जॉइंट का पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब स्टाइफल देखिए, स्टाइफल किस किस के बीच है, स्टाइफल है आपका फीमर और टीबिया, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडिंग मोर कंसंट्रेट ऑफ रूमिनेंट्स में कॉज, जब भी आप कंसंट्रेट ज्यादा खिलाओगे एनिमल्स को, ओके, तो कंसंट्रेट आप खिलाओगे और क्या होने लग जाएगी, एसिडिटी होने लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एसिडोसिस हो जाएगा, तो आंसर हो गया इसका सिंपल सा सी। ओके, 37वें का सी आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 38 क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको बॉर्नविटा के बारे में किसने बताया, किसने आपको फेयर एंड लवली के बारे में बताया, किसने आपको फेयर हैंडसम के बारे में बताया, किसने आपको ये बहुत ज़्यादा जो ऐड आते हैं जब आप टीवी देखने बैठते हो, मोबाइल पे आप कोई मैच देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, अन अकेडमी के बारे में आपको किसने बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का जो मीडिया है वो कौन है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन का जो मीडिया है वो है कौन, टेलीविज़न, टीवी के थ्रू जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ओके, सिंपल सा ये क्वेश्चन, 38वें का आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉर्डर मे कॉज एसियन पॉइजनिंग इन रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स में साइनाइड जो होते हैं, सारी जो पॉइजनिंग के लिस्ट जो है न्यूट्रिशन में दे रखी है, तो साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो किसके कारण होती है, ज्वार के कारण होती है, किसके कारण होती है, ज्वार के कारण होती है, क्लियर, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्वार। ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट वायरस इज, सबसे बड़ा जो वायरस है वो भाई पॉक्स वायरस है, कौन सा है, पॉक्स वायरस, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सही दे याद रखने जैसे क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न यंग वन ऑफ द हॉर्स इज कॉल्ड फिली, फॉल, कॉल्ट एंड मेयर, तो भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपके गुजरात बोर्ड में बोनस कर दिया था, और इसको बोनस करने का जो रीज़न था, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि न्यू बॉर्न, और इसके बाद में बोल दिया यंग वन, तो न्यू बॉर्न अलग होता है और यंग वन अलग होता है, ये चीज़ आप सबको पता है, न्यू बॉर्न जो होता है, जब अपन हॉर्स की बात करने कर रहे हैं न्यू बॉर्न की, तो न्यू बॉर्न को बोलते हैं अपन फॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं, और जब यंग वन की बात करते हैं तो अगर फीमेल है तो इसको बोलते हैं फिली, और अगर मेल है तो इसको बोलते हैं अपन
कॉल। तो यहाँ पे सिंपल सा ये क्वेश्चन का बोनस होने का जो रीजन था वो ये था कि इसमें दोनों चीजें पूछ ली, न्यू बॉर्न और यंग बॉर्न। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके बोनस कर दिया था, और इसका रीजन जो है वो ये था कि इस क्वेश्चन में जो है वो आपको दोनों चीजें बोलती थी, जिसमें आपको न्यू बॉर्न प्लस यंग बॉर्न दोनों चीजों के बारे में बता दिया था। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा जो आंसर होगा वो इन तीनों का है, इसलिए यहाँ पे ये चीज बोनस कर दी गई थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 42 मोस्ट प्रीवेलेंट एयरबॉर्न डिजीज। ओके, तो एयरबॉर्न डिजीज का मतलब है कि जो एयर से फैलती है। ओके, जैसे कि अगर आपने स्नीजिंग की है, छींका है, तो छींकने के बाद में जो ड्रॉपलेट होंगे वो ड्रॉपलेट बाय द एयर क्या हो जाएंगे, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे थ्रू द एयर जो है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक जो है वो ड्रॉपलेट या फिर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे दिस इज द एयरबॉर्न डिजीज। ओके, तो डिप्थीरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस बोथ आर द एयरबॉर्न डिजीज, जिसमें से सबसे जो प्रिवेलेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। ओके, एंड ये दोनों की दोनों, डिप्थीरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस दोनों की जो दोनों डिजीज है वो कौन सी डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है। जबकि जब हम बात करते हैं कॉलेरा एंड टाइफाइड, ओके, बोथ द डिजीज आर कॉज्ड बाई वाटरबॉर्न डिजीज। क्या हो जाएगा, वाटरबॉर्न डिजीज। सो वाटरबॉर्न डिजीज, वाई दीज आर कॉल्ड वाटरबॉर्न डिजीज, बिकॉज दीज डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम द या थ्रू द वाटर। ओके, तो ये वो डिजीज है जो कि वाटर के थ्रू फैलती है। क्लियर, तो यहाँ पे ये वाटर के थ्रू, ये एयर के थ्रू, और ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट प्रिवेलेंट हो जाएगी। ओके, विच फीड इज रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन जो है वो बोनस कर दिया गया था। रीजन ये था कि यहाँ पे तूर गटर जो है इसको था, तूर की जो दाल होती है, तूर के जो ओट्स होते हैं वो लिखना था। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो प्रोटीन के सोर्स नहीं है, और चौथा ऑप्शन अपने आप से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी जो है आपके बोनस कर दिया गया था 2018 में। क्लियर, स्टर्कोबिलिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू, तो स्टर्कोबिलिन और एक होता है यूरोबिलिन। ओके, दो चीजें होती है, एक तो होती है यूरोबिलिन एंड सेकेंड वन इज स्टर्कोबिलिन। ओके, सो द यूरोबिलिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, मतलब कि मूत्र से जो निकलती है इसको बोलते हैं अपन यूरोबिलिन। ओके, एंड जो स्टर्कोबिलिन होती है ये निकलती है भाई फीसेस से। ओके, मतलब कि गुदा से जो निकलेगा वो तो होगी आपके फीसेस के थ्रू निकलेगी स्टर्कोबिलिन, एंड यूरिन के साथ जो निकलेगी वो होगा यूरोबिलिन। सो बोथ आर दी पिगमेंट्स विच आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी थ्रू दी थ्रू दी यूरिन एंड थ्रू दी फीसेस। ओके, सो द आंसर ऑफ स्टर्कोबिलिन इज डी। क्लियर, नेक्स्ट इज मीट ऑफ स्वाइन, ये तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको सबको पता है कि मीट ऑफ स्वाइन जो होता है वो पॉर्क होता है, बीफ किसका होता है, चिवॉन किसका होता है, एंड मटन किसका होता है। सिंपल, सबसे सिंपल ये क्वेश्चन था कि पोल्ट्री सॉरी जो स्वाइन का मीट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका एक एग्जाम्पल बताइए। तो देखो भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी पहली चीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि 10-15 जने इकट्ठे हुए, 10-15-50 जने इकट्ठे हुए, इन्होंने क्या किया, अपना एक कोऑपरेशन स्टार्ट किया। ओके, 10-15 जने जो है उन्होंने ही अपना जो है वो काम स्टार्ट किया एक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, जिसमें क्या है कि जनता जो है उनका भी जो है वो योगदान उतना ही है जितना जो है वहाँ के लोगों का है। ओके, तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अमूल दूध, जो अमूल आता है वो इसका ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट इज ए साइक्लोवीर, ए साइक्लोवीर जो है वो एक एंटीवायरल एजेंट है, जो कि वायरल डिजीज जितनी भी होती है तो वायरस को किल करने के लिए जो है वो एंटीवायरल एजेंट यूज में लिया जाता है, और ए साइक्लोवीर जो है ये एक एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा भाई ये जो वायरस डिजीज होती है उसमें ए साइक्लोवीर की गोलियाँ देते हैं।
ओके, तो ये साइक्लोवीर एंटीवायरल एजेंट है। नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड इन ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब ये हो गया, अगर गैस भर गई है, टिम्पेनी है, ओके, पेट में गैस भरी हुई है, तो ऐसे केसेस में आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? तो ऐसे केसेस में हम जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टर्पेंटाइन ऑयल जो होती है वो देते हैं उसको, ताकि क्या हो सके, जो गैसेस है भरी हुई है, तो ये क्या करता है, उस गैस को रिलीज करवाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज़ में लोगे आप? टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ में लोगे। जो भी स्टूडेंट फील्ड करते हैं उनको तो पता ही है, टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो आप यूज़ में लेते हो। क्लियर? इन काउ इनवॉल्यूशन ऑफ यूटेरस गेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन अराउंड, जो काउ का इन्वॉल्यूशन है यूटेरस, वो कितने दिन का होता है? तो भाई देखो, सिंपल सा अप्रॉक्सीमेट जो है वो 40 डेज से लेकर के 60 डेज तक होता है। चूंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन 35-40 लगभग यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ था, बट फिर बाद में ये क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बोनस हो रखा है। क्लियर? तो अपन ज़्यादा इस पर माता पच्ची नहीं करेंगे। ऑर्गन टू बी कलेक्टेड फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन फ्रॉम सस्पेक्टेड केस ऑफ एंथ्रेक्स ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। सो द क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के केस में जो है आपको क्या जो है किस चीज़ का जो है वो एक प्रोटोटाइप लेना पड़ेगा चेकिंग के लिए। तो यू नो दैट इन एंथ्रेक्स डिजीज, जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं इनको पता होगा, एंथ्रेक्स डिजीज में जो है वो राइगर मॉर्टिस नहीं होता है, और इसका पोस्टमार्टम जो है वो भी अपन वैसे तो नहीं करते हैं, लेकिन स्प्लीनोमिगैली जो है वो इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्प्लीनोमिगैली पाई जाती है, इसलिए हम जो है वो स्प्लीन को चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्प्लीन। नेक्स्ट इज बोटल जॉ कंडीशन। बोटल जॉ कंडीशन जो है वो फैसियोलोसिस कंडीशन जो होती है, फैसियोलेप्सिस जो कंडीशन होती है डिजीज, उसमें होता है, जो कि फैसियोला हिपेटिका से होता है। ओके, नेक्स्ट, गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, अनोदर सिंपल क्वेश्चन कि बफेलो में जो है वो क्या, कि गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? बहुत सिंपल सा, यू नो दैट 10 मंथ 10 डे, 10 मंथ का मतलब क्या हो गया 300 डेज, एंड यहाँ पे 10 दिन का मतलब हो गया 310 दिन जो है वो क्या हो जाएगा, बफेलो का गेस्टेशन पीरियड हो जाएगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर। तो ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, लेग्यूम जो होती है वो दाल वाली जो भी वैरायटी होती है, तो काउपी इज द एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर। क्लियर? नेक्स्ट इज डीबडिंग जब भी करते हैं काफ में, तो इसमें कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं? सो एक मेथड होता है केमिकल डीबडिंग। एक तो आपको बताओ तो डी हॉर्नर यूज में लेते हैं, डी हॉर्नर से भी कर सकते हैं, और एक है केमिकल मेथड से अपन कर सकते हैं। सो द केमिकल मेथड जिससे अपन डी हॉर्निंग करते हैं वहां पे अपन यूज में लेते हैं KOH या फिर NaOH। क्या यूज में लेते हैं? KOH या फिर NaOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड NaOH का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो द आंसर इज सी। क्लियर? नेक्स्ट इज एनर्जी डेफिशिएंसी ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी इन रूमिनेंट्स। आपको पता है एनर्जी डेफिशिएंसी, या एक और वर्ड बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव जो एनर्जी बैलेंस होता है एनिमल्स में, ये कौन सी डिजीज में होता है? जिसमें कीटोन जो है इसकी स्मेल आती है। सो द आंसर इज कीटोसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 का? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 ले लेते हैं अपन। द नंबर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन बिचेस। ओके, बिच जो होती है इसमें मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है इनके नंबर्स कितने होते हैं? ओके, तो इन बिचेस 5 पेयर जो है, 5 जोड़ी, यानी कि 10 जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। सुअर में लगभग 7 से 8 जोड़ी तक होती है। ओके, सेवन पेयर ही होता है, एंड जो कैटल होती है उसमें 2 पेयर यानी 4 होते हैं, बकरी जो होती है उसमें 1 पेयर यानी कि 2 मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड इन चिकन। चिकन में इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जो एग होता है इसको क्या होता है कि मैच्योरेशन के लिए एक इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है,
जो कि कितना होता है 21 डेज तक, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए रखा जाता है. ओके, तो आंसर इज सी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्डर मे कॉज ब्लॉट इन रूमिनेंट्स. अब यू नो दैट ब्लॉट कंडीशन जो होती है ये कॉन्सनट्रेट फीडिंग के कारण होती है. किसके लिए होगी? कॉन्सनट्रेट अगर आप फीड ज़्यादा कराओगे तब जो है वो ब्लॉट कंडीशन आएगी. तो यहाँ पे कॉन्सनट्रेट जो है वो देखो ओट, सनफ्लावर, सॉर्गम और ल्यूसन. तो यू नो दैट रिचका जो होता है, रिचका एंड बरसीम, यानी कि ल्यूसन एंड बरसीम जो होती है, इट इज यूज एज ए कॉन्सनट्रेट. ओके, सो द आंसर इज डी. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ इस्ट्रोसाइकिल इन काउ. दिस इज अगेन ए सिंपल क्वेश्चन की जो इस्ट्रोसाइकिल होती है उसमें चाहे काउ हो चाहे बिल्ली हो, उन कुछ कुछ एनिमल्स में जो है वो फिक्स होती है, वो कितनी होती है? 21 डेज. सो अगेन दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, 21 टू 22 डेज विच इज द इस्ट्रोसाइकिल ऑफ काउ. सो द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज 60. ओके, द बफेलो ब्रीड with sickle shaped horn seals in breed. Okay, in which breed the sickle cell type of horns are present? You know that S means sickle, S means surti. So management English medium में मैंने ही record कर रखी है, आप सब जो है वहाँ पर देख सकते हैं. sickle shape का मैंने बता रखा है वहाँ पर. the surti breed of buffalo having this characteristics. Okay, so it is the final question of this lecture and your 2018 paper. Okay, so जितने भी students हैं, गुजरात का courses जो है वो आपके available कर दिया गया है. न्यूडान classes application आप download कीजिए और course जो है वो आप join कर सकते हैं. Okay, तो मिलते हैं next lecture में. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.